रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 11 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्लांट्स एंड सिंथेसिस इन लेबॉरेटरीज, और साथ में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम का जो टॉपिक है वो आपके बुक के पेज नंबर 63 पे मेंशन है। पेट्रोलियम हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो पेट्रोलियम का कलर क्या होता है? डार्क ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है। आपने देखा भी होगा पेट्रोल वो विस्कस होता है, मीन्स थिक लिक्विड होता है। कंपोजिशन अगर इसकी हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मीन्स के इसमें हमारे पास सॉलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड्स भी हैं, और गैशियस स्टेट में भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, और ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीन्स के सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं इसमें, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, और गैशियस स्टेट में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं पेट्रोल में। इन वाटर, वाटर में प्रेजेंट होती हैं ये, जो कि मिक्स होता है विद सॉल्ट एंड पार्टिकल्स। तो ओवरऑल हमारे पास आप देखें पेट्रोलियम में क्या क्या प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में, वाटर प्रेजेंट है, और डिफरेंट सॉल्ट और बाकी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और इन सब की सेपरेशन के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली सेपरेशन टेक्निक है जिसमें फ्रैक्शंस या फिर कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोल को सेपरेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। हर एक कंपोनेंट, हर एक फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो इनको जब हीट करते हैं और हीट करते हुए जिस टेम्परेचर पे जो चीज़ बॉयल होती है उस टेम्परेचर पे वो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, वो फ्रैक्शन सेपरेट कर लेते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हैं, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हर एक कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है मिक्सचर में से। अब ये जो फ्रैक्शन या कंपोनेंट हम ऑब्टेन करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कोई एक, बल्कि इनमें मज़ीद हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक फ्रैक्शन या हर एक कंपोनेंट में भी मज़ीद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास नेचुरल गैस, जो कि प्लांट्स से ही हम ऑब्टेन करते हैं, डेड प्लांट से। ये बेसिकली मिक्सचर है लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स का। उन हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनका मास, मोलिकुलर मास लो होता है। कंपोजिशन इसमें 85% मिथेन गैस है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये जो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लोवेस्ट मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफिकेशन हमने की थी तो उसमें हमने ये कंपाउंड स्टडी किए थे, मिथेन CH4, और इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन, और ब्यूटेन में 5 कार्बन है। तो ये लो मोलिकुलर मासेस वाले हैं। इसके बाद जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हाई मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड्स हैं। ओरिजन इनका प्लांट से ही हुआ है, डेड प्लांट से ही, थ्रू डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स की ब्रेक डाउन हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया या फंगस। कौन से प्लांट्स? जो कि बरिड होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन के अंदर दफन हुए होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स ज़मीन में दफन होते हैं, बरिड होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से हमारे पास नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होता है, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। यूजेस अगर हम देखें नेचुरल गैस की, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। फ्यूल के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास चूल्हे में जो गैस आती है वो नेचुरल गैस, ये मिथेन है। होम्स में भी इस्तेमाल होता है का, इंडस्ट्रीज में भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें इन कंप्रेस्ड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, और इसको हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स, कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके अभी तक जो हमने सोर्सेस पढ़ी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो हम डेड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स जो लिविंग प्लांट्स हैं वो भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास। लिविंग प्लांट से हम मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो लार्ज साइज मोलिक्यूल्स होते हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, विटामिंस, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज मोलिक्यूल्स हैं, और ये हम लिविंग प्लांट्स में से ऑब्टेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो ग्लूकोज है, मीन्स के बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज की कम्बिनेशन से बने हैं, या ग्लूकोज की के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं उनसे मिलके बने होते हैं। तो जो बेसिक यूनिट है, जैसे हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट सेल होता है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो ग्लूकोज है।
ग्लूकोज सिंथेसाइज प्लांट्स करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कंपाउंड प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, जो फूड प्रिपेयर करते हैं, वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज पॉलीमराइज करता है। पॉलीमराइज मींस के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सुक्रोज जो हम शुगर यूज़ करते हैं वो क्या है, ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। स्टार्च जो प्लांट्स हैं वो फूड अपना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेल्यूलोज भी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट पॉलीमर्स हैं जो कि ग्लूकोज से मिल के बने होते हैं। सो द अदर कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग प्लांट्स इज प्रोटीन। प्रोटीन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही होता। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट्स में जो प्रोटीन्स की सोर्सेज हैं वो है पल्सेस, बीन्स वगैरह। प्रिपरेशन कैसे होती है प्रोटीन्स की प्लांट्स में, कि प्लांट्स होता है वो एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको इस्तेमाल करता है, डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस की फिक्सेशन होती है बाय बैक्टीरिया। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़े होते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर में से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स मीन्स के उसको लेके डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, लेकिन जब नाइट्रोजन को बैक्टीरिया बाकी कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो प्लांट फिर उसको इजीली ऑब्टेन कर सकता है। सो प्लांट्स में प्रोटीन कैसे प्रिपेयर होते हैं, थ्रू फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, दैट रिजाइड ऑन रूट्स ऑफ प्लांट्स। ऑयल भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि प्लांट्स में इसके सोर्सेज जो हैं वो हैं सीड्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें और इन प्लांट्स में हमारे पास आती हैं एग्जाम्पल सनफ्लावर, रेप सीड, पाम, कोकोनट, ग्राउंड नट्स वगैरह। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, इनके सीड्स में से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं। वाइटामिन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इन एप्पल और सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, इसके अलावा लेमन्स वगैरह, इनमें वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। अदर प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह के अलावा जो प्रोडक्ट्स हम प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं उनमें आते हैं हमारे पास गम्स, मेडिसिन और डिफरेंट रबर। सिंथेसिस इन लेबॉरेटरी, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉरेटरीज। पहले ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं हम, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में वो एक मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट है, जिसको वाइटल फोर्स का नाम दिया गया था। और वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, हम खुद से नहीं सिंथेसाइज कर सकते। लेकिन फ्रेडरिक वॉल्डर ने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज किया था बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। ये बात हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ी थी। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए इन लेबॉरेटरीज। सो मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स हैव बीन सिंथेसाइज इन द लेबॉरेटरीज। और इन कंपाउंड्स में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हर तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। और एग्जाम्पल जो डिफरेंट मटेरियल्स जो कि ऑब्टेन प्रिपेयर किए जाते हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिंस, जो फ्लेवर्स हम यूज़ करते हैं फूड में ऐड करने के लिए, फ्रेग्रेंसेस, प्लास्टिक्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉयलेटरीज प्रोडक्ट, और इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो कि हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 63, पेट्रोलियम। इसकी आप हेडिंग्स मार्क कर लें, आज जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं। फर्स्ट पेट्रोलियम, इसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी कलर, उसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। देन कंपोजिशन की हेडिंग आएगी, उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन किया गया। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर डेफिनेशन आ जाए अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये जो अंडरलाइन ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया गया है, जो ब्रैकेट में लिखी है, ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इस प्रोसेस को। देन नेचुरल गैस की फर्स्ट मोलिकुलर मास की हेडिंग आएगी, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। कंपोजिशन की हेडिंग दे के आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन ओरिजिन की हेडिंग आएगी, जो यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, यहाँ तक इसका ओरिजिन है। देन यूजेस की आपने हेडिंग देनी है, और उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये फिगर आपकी बुक के पेज नंबर 64 पे गिवन है, इसमें अक्रेंस एंड ड्रिलिंग ऑफ गैसेस बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए, ये अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके नीचे
जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं शेल, उसके नीचे रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, रॉक्स की एक लेयर है इसको इंपीरियस रॉक्स कहते हैं, और यहाँ पे ये गैस प्रेजेंट है। ये कैसे आई है गैस पेट्रोलियम? ये हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स के बाद आई है। यहाँ पे गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वगैरह, उसके नीचे जो लेयर होती है वो वाटर की है, और उसके बाद दोबारा रॉक्स की लेयर है, इसको हम कहते हैं इम्परवियस रॉक। नेक्स्ट हेडिंग प्लांट्स में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग आएगी और इसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। प्रोटीन्स की हेडिंग डाल के आपने ये टू लाइन्स लिखनी है प्रोटीन्स में। ऑयल्स की हेडिंग आएगी, उसमें ये टू लाइन्स आएंगी। विटामिंस में आपने ये टू लाइन्स लिखनी है। एंड देन सिंथेसिस इन लेबॉरेटरीज में ये जो पैराग्राफ है इसमें हिस्ट्री बताई हुई है कि हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी का, तो वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं या एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सॉरी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन? कैटिनेशन का क्या मतलब है? गिवन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड डिस्प्लेस कैटिनेशन। एक एग्जांपल दे उस कंपाउंड का जो कि कैटिनेशन, जिसमें प्रोसेस होता है कैटिनेशन का। तो इसमें आपने सबसे पहले कैटिनेशन की हेडिंग देखी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद ईच अदर या विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। और एग्जांपल जो कंपाउंड इसमें आता है वो है एन ब्यूटेन। कोई भी आप कंपाउंड दे सकते हैं जिसमें लॉन्ग चेन्स बनती हैं, तो ये देखिए लॉन्ग चेन इसकी एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन। और ये डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे मेंशन है कैटिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ इज कोल फॉर्म? कोल बनता कैसे है? तो इसका आंसर पेज नंबर 61 पे है। इसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ कोल की आपने एक सिंगल हेडिंग देनी है, और इसमें आपने लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक है 40% कार्बन। तो कार्बोनाइजेशन वाला भी जो ये पैराग्राफ है वो भी आपने इसी के अंडर लिखना है एक ही हेडिंग, सिंगल हेडिंग में। इस तरह से आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन ऑफ कोल, और इसमें ये कम्प्लीट टॉपिक लिखना है यहाँ तक 40% ऑफ कार्बन यहाँ तक आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस की इम्पॉर्टेंस क्या है? नाउ कम टू पेज नंबर 64। यहाँ पे आपको मैंने हेडिंग मार्क करवाई है यूजेस की, तो आप इसमें हेडिंग देंगे इम्पॉर्टेंस की, और आपने यहाँ से लेके नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल यहाँ से लेके एंड तक यहाँ तक लिखना है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 4 इज जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। के जस्टिफाई करें, प्रूव करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 65 पे आएंगे, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला टॉपिक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है यूज एज अ फूड, आपने ये हेडिंग देनी है यूजेस एज फूड, और उसमें ये टू लाइंस लिखनी है द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क, एग्स, मीट एटसेट्रा कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, ऑल आर ऑर्गेनिक स्टफ। तो जो भी हम डेली रूटीन में जो खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह। ये हमने अभी स्टडी किया लेक्चर में कि ये सब जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसके आंसर में आपने जस्ट ये टू लाइंस लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड? अल्काइल रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करें। अल्काइल रेडिकल वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिटेल से। तो इसके आंसर में आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। दे आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को जब रिमूव करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेन है, प्रोपेन की चेन है, इसमें 3 कार्बन्स होते हैं, और कार्बन्स की बॉन्डिंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमने उनके साथ उन्हीं हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए। तो ये CH3, CH2, CH3 है, ये एक अल्केन है, प्रोपेन इसको कहते हैं। अब इसमें से हम अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनाएंगे? फर्स्ट इनमें से, इस चेन में से हम जो लास्ट वाला CH3S में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH2। रिमेनिंग चेन जो होगी वो एज इट इज रहेगी। इसको आप लिखेंगे कैसे? प्रोपेन था ये, एन प्रोपेन था, इसको हम लिखेंगे एन प्रोपाइल। और अगर सेंटर वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये इस तरह से CH रह जाएगा, बाकी CH3 दोनों साइड पे एज इट इज रहेंगे, और इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 63-64। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1-5 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।